प्रीता लाएगी अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई करण के सामने और दिखाएगी रिपोर्ट, और सोनाक्षी के अतीत का करेगी खुलासा, और पृथ्वी करेगा प्रीता को मारने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता लूथा उसमें पर्दे के पीछे छुपी होगी और लूथा उससे बाहर जाने के लिए प्रीता सही मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, तभी राखी माँ प्रीता को याद करते हुए काफी ज्यादा रोएगी, जिस वजह से जब शैलेंद्र राखी माँ से पूछेगी कि क्या हुआ, तब राखी माँ कहेगी कि प्रीता कब आएगी। यह सुनकर शैलेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और शैलेंद्र गुस्से से कह देगी कि अब वो प्रीता कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने जो 2 साल पहले किया था उसके बाद वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसीलिए वो नहीं आएगी, और अगर उसे आना होता तो वो कब की आ चुकी होती। यह सुनकर राखी माँ और प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता को एहसास हो जाएगा कि शैलेंद्र कहीं ना कहीं इस घर में पृथ्वी के साथ मिली हुई है। लेकिन जब राखी माँ शैलेंद्र अपने अपने कमरे में चले जाएंगे और कोई नहीं होगा, तभी प्रीता लूथरा उसके वॉचमैन को चकमा देकर बाहर निकल जाएगी, जहाँ पर जब प्रीता घर पहुंचेगी तभी काफी ज्यादा परेशान होगी और बस लूथरा के बारे में सोचती रहेगी, और प्रीता अपने पापा जैसे महेश लूथरा को बचाने के लिए मंदिर में जाकर कसम खाएगी और माताजी के सामने कहेगी कि अब हर एक के किए का बदला लूंगी और जिसने मेरे पापा जैसे महेश लूथरा की ये हालत की है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं और मेरे परिवार को बचाऊंगी। यह सब प्रीता मंदिर में कसम खाकर लूथरा उसमें कदम रखेगी, जहाँ पर जब पृथ्वी अचानक से प्रीता को देखेगा तब पृथ्वी के होश उड़ जाएंगे और प्रीता को देखकर एक पल के लिए पृथ्वी डर जाएगा, जिस वजह से पृथ्वी पूरे घर का अलार्म बजाकर पूरे लूथरा परिवार को हॉल में आने के लिए इकट्ठा करेगा, जहाँ पर जब करीना बुआ, करण, राखी माँ, दादी सभी अचानक से प्रीता को देखेंगे तभी सबके होश उड़ जाएंगे और करण को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और प्रीता को घर से बाहर निकालने के लिए पृथ्वी गुस्से से प्रीता को कहेगा कि तुम्हारी जगह ना कभी इस घर में थी ना कभी होगी। यह सुनकर प्रीता जवाब देती हुई कहेगी कि ये घर मेरा है, जिसे पाने के लिए मैं हर युद्ध के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब करण प्रीता को कहेगा कि तुम 2 साल बाद यहाँ पर क्यों आई हो और तुम्हें तो हमको इस हालत में देखकर अच्छा लग रहा होगा ना, यह सुनकर प्रीता को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और प्रीता बड़ा खुलासा करती हुई कहेगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और पीहू के बारे में असली सच्चाई बताती हुई कहेगी कि जो 2 साल पहले पीहू की मौत हुई थी वो सब सोनाक्षी की एक चाल थी, ताकि सोनाक्षी तुम्हें हासिल कर सके और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। यह सुनकर करण को प्रीता की बातों का एहसास होगा और एहसास होगा कि प्रीता ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, और प्रीता अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बड़े राज का खुलासा करेगी कि तुम्हें पता है कि मैं माँ बन सकती हूँ और पहले से ही मैं माँ बन सकती हूँ, ये देखो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैं बच्चा दे सकती हूँ। वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर करण के होश उड़ जाएंगे और अतीत के बारे में प्रीता प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बारे में असली सच्चाई बताती हुई कहेगी कि तुम सोचो कि यहाँ पर जब तक हमारे घर में सोनाक्षी आई थी तब तक मैं बच्चे की माँ नहीं बन सकी, वो रोज मुझे दूध में प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए दवाई मिलाकर पिलाती थी। यह सुनकर करण को अपने किए का एहसास होगा, लेकिन करीना बुआ कोई भी प्रीता की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और प्रीता के लूथरास में 2 साल बाद लूथरास को बचाने के लिए आने की वजह से उल्टा करीना बुआ प्रीता को बातें सुनाएगी और कहेगी कि यहाँ से हमारे इस घर से चली जाओ। तब यह सुनकर पृथ्वी प्रीता को कहेगा कि प्रीता तुमने सुना नहीं करीना बुआ ने क्या बोला, यहाँ से चली जाओ। तब प्रीता गुस्से से जवाब देती हुई कहेगी कि मैं यहाँ पर मेरे पापा जैसे महेश लूथरा की जान बचाने के लिए आई हूँ, और आखिर में प्रीता को रोकते हुए कहेगी कि प्रीता बेटा तुम आ गई हो तो अब कभी कहीं मत जाना। यह सुनकर करण कुछ बोल नहीं पाएगा, और लेकिन प्रीता की असली प्रेगनेंसी की सच्चाई करण के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और प्रीता करण के बच्चे की माँ बननी चाहिए क्या नहीं, और प्रीता को ऐसे लूथरास परिवार को बचाने के लिए लूथरा उसमें जाना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।